Fox. मेरा नाम अपूर्व है और वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग मेरी हॉबी। मैं दिल्ली में रहता हूँ और जब भी मुझे मौका मिलता है इस शहर की भीड़ भाड़ से दूर नेचर और वाइल्ड लाइफ में वीडियोस बनाने निकल जाता हूँ। मैं अब अपने पैशन को एक स्टेप और आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग और उससे रिलेटेड ट्रैवल वीडियोस को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो लेट्स वॉक इनटू द वाइल्ड। कल इवनिंग सफारी में 3 टाइगर की साइटिंग के बाद आज मैं अपने सेकंड सफारी पे जा रहा हूँ। अभी मैं हूँ कान्हा नेशनल पार्क में जो मध्य प्रदेश में है और फेमस है अपने टाइगर सफारीज के लिए। वेलकम बैक सर। तो अभी सुबह के 2 घंटे सर हम लोग ना प्रेडेटर के लिए ही चांस लेंगे क्योंकि अर्ली मॉर्निंग बहुत अच्छा चांस होता है उनका। इस समय में वो काफी एक्टिव होते हैं, जैसे जैसे सनलाइट आएगी थोड़े थोड़े वो चांसेस लेस होते जाएंगे। सुबह में हम जितने से ज्यादा हम एक राउंड लेके सारे टाइगरों इस एरिया में लगभग 10 से 12 टाइगर हैं। सब टाइगर की अलग अलग टेरिटरी है तो यहाँ जहाँ से स्टार्ट होता है बाघ यहाँ से एक MP3 टाइगर से 2 कप के साथ मूव करती है। 2 कप के साथ तो इसको चेक करते हुए फिर हम आगे छोटी मादा के बाद फिर शर्मीली और उमर झोला फीमेल 46 इनकी टेरिटरी पे जाएंगे। फिर आगे एक एरिया है जहाँ धवा झंडी बोलते हैं तो वो फीमेल टाइग्रेस है 5 बच्चे वाले तो उसको भी ट्राई करेंगे। पार्क का एरिया काफ़ी बड़ा है सर, लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर में है जिसे 2 भाग पर डिवाइड किया गया है कोर एंड बफर। तो ये वाला एरिया कोर एरिया कहलाता है, 917 स्क्वायर किलोमीटर में है तो इसमें 20% भाग पे टूरिज्म है, 80% क्लोज है। उसमें भी 4 जोन डिवाइड है, काना किसली मुक्की और सरई। तो आज हमारा जो जोन है वो है मुक्की जो कि बेस्ट जोन में से एक है। वैसे बेस्ट तो सभी हैं लेकिन मुक्की में जैसे ही हम इंटर करते हैं तो हमारा मोमेंट टाइम रहता है, बाकी जोन जाने में थोड़ा टाइम लग जाता है तो ये बेस्ट जोन है। तो हम लोग यहाँ से ज़्यादा टाइगर के लिए ही ट्राई करेंगे। फिर बाकी आफ्टर 8:30 और 9 o'clock में इंटरेस्टिंग बर्ड आज के हमारे गाइड उमेश यादव जी कान्हा के सबसे पुराने और एक्सपीरियंस्ड गाइड्स में से एक हैं। कल की तरह आज भी हमारा जोन मुक्की ही है और आज मुझे करनी है 2 सफारी, एक मॉर्निंग एंड दूसरी इवनिंग में। आज यहाँ थोड़ी ठंड है और फॉग भी है जो कुछ दिनों से नहीं हो रही थी। तो अभी हम आ गए हैं ग्रासलैंड में जहाँ कुछ 12 सिंगे घूम रहे हैं। मैं सिर्फ 66 12 सिंगे ही बचे थे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या करा कि इनके लिए एक ब्रीडिंग प्रोग्राम बनाया गया जिसमें बहुत बड़े एरिया पे ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया इंक्लूसर, उसमें कुछ 12 सिंगे रखे गए ब्रीडिंग के लिए ताकि वो सेफ रहें प्रेडेटरों से, जैसे पाइथन है टाइगर है लेपर्ड इन सबसे सेफ रहें। ऐसे करते करते फिर इसके लिए घास, क्योंकि ये चूजी एनिमल भी है, कुछ सिलेक्टेड फूड ही खाता है जैसे चेक्रम है थेमेडा है इस प्रकार की घास, कुछ एक्वेंटिक प्लांट होते हैं जो वाटर में जैसे हाइड्रोला है तो इनको खाते हैं। तो ये सब पे ध्यान दिया गया, मैदान इनके लिए मैदानों को भी संरक्षण दिया गया। तो आज बढ़ते 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 ये 1000 से भी आगे हो गए हैं सर। तो अभी दूसरे पार्क में भी रिलोकेट कर रहे हैं ये ताकि ऐसे कोई डिजीज ना आए कान्हा में और ये एक ही जगह सिमट रह जाए। तो कुछ सतपुड़ा और बांधवगढ़ में इनको शिफ्ट किया गया है 12 सिंगाओं को। टाइगर्स के अलावा 12 सिंगा कान्हा के मेन अट्रैक्शन है और इनको देखने के लिए आपको कान्हा नेशनल पार्क में ही आना पड़ेगा। पहले कान्हा के अंदर कोर एरिया में 27 गांव होते थे और अब सबको बाहर शिफ्ट कर दिया गया है। अभी सनराइज हो रहा है और टाइगर की एक्टिविटीज के लिए सबसे बेस्ट टाइम है। जैसा हमारे गाइड उमेश जी ने बताया, हम एक एक करके मुक्की जोन के सारे फेमस टाइगर्स को ट्रैक करेंगे उनके एरिया में जाके। टाइगर को ट्रैक करने के लिए सबसे जरूरी है उनके पग मार्क्स यानी पंजे के निशान को फॉलो करना। एक एक्सपीरियंस गाइड आपको टाइगर के मूवमेंट की जानकारी सिर्फ उनके पग मार्क्स को देख के ही दे सकता है। सबसे पहले हम आए हैं पानी के पास ये देखने कि शायद कोई टाइगर यहाँ पानी पी रहा हो, लेकिन हमें यहाँ दिखा ये गिद्ध। आई गेस इस गिद्ध को मैंने राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क के सफारी में भी देखा है।
अब वापस से हम निकल गए कान्हा के इस सुंदर से जंगल में टाइगर को ढूंढने। और थोड़े ही आगे आने के बाद ये प्यारा सा मोमेंट देखने को मिला। ये है गोल्डन जैकल। जैकल को सफारी में देखना बहुत आम बात है, लेकिन ऐसा मोमेंट मैंने पहली बार देखा है। ये है क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल और ये एक शिकारी पक्षी है। ये चील सांपों और छिपकलियों का शिकार करके खाता है, जिससे इसका नाम पड़ा है। हम टाइगर के पग मार्क्स को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रैकेटेल रोंगो बैठी रोकना, बहुत ब्यूटीफुल रैकेटेल रोंगो है सर। और मैंने इस बर्ड को लाइफ में पहली बार देखा है। ये है रैकेट टेल्ड रोंगो। और इस बर्ड की खास बात है, ये दूसरे कई प्रकार के पक्षियों की आवाज निकालता है। और ये जो दूसरा बर्ड है, ये है ब्लैक ड्रम फ्लेमबैक वुडपेकर। नॉर्मली सफारीज में लोग केवल बाघ के पीछे रहते हैं और वो इस तरह के सुंदर बर्ड्स एंड मोमेंट को मिस कर जाते हैं। रैकेट टेल ड्रोंगो जैसे बर्ड्स आपको केवल जंगल में ही देखने को मिलेंगे। कान्हा के जंगल खुले खुले से हैं और अगर टाइगर दिखा तो वो दूर से ही दिख जाएगा। यहाँ एक बड़े से टाइगर के बैठने का मार्क दिख रहा है और ये थोड़ी देर पहले का ही है। इधर क्रॉस करके इसमें घुसा है, चीतल नदी के अंदर घुसा हुआ। लेकिन ये टाइगर इस रास्ते पे नहीं चला और शायद वो ग्रासलैंड की ओर गया है, क्योंकि इसके पंजे के निशान आगे नहीं दिख रहे हैं। और इस तरफ भी कोई पग मार्क्स नहीं है, तो हम आगे ना जाके दूसरे रास्ते पे चलते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, वैसे ही हमें अलग अलग बर्ड्स और एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं। ये है जंगली सुअर। सफारी स्टार्ट होने से अभी तक हमें और दूसरी सफारी गाड़ियां नहीं दिखे और यहाँ लग रहा है कि कुछ गाड़ियां रुकी हुई है। पास जाके देखते हैं कि यहाँ कोई कॉल हुई है क्या। और पूछने पे पता चला कि यहाँ पे MV3 यानी महावीर 3 ने थोड़ी देर पहले एक सांबर का शिकार किया है और अपने दो बच्चों के साथ वो यहीं पे अंदर झाड़ियों में खा रही है। सारे लोग अपने पोजीशन लेके रेडी हैं कि कब टाइगर बाहर आए और उन्हें देखने को एक अच्छी साइटिंग मिले। अभी तक टाइगर तो नहीं दिखा, लेकिन बीच बीच में झाड़ियां हिलती हुई दिखती हैं और शायद MV3 के बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं। अब ये एक पेशेंस का गेम बन गया है। या तो सफारी खत्म होने तक यहीं वेट किया जाए या फिर आगे जाके चांस लिया जाए। रोंगो है, ईगल की आवाज निकाल रही है। ये ग्रेटर रैकेट टेल रोंगो हमने देखा था ना, ब्लैक कलर वाला, वो ईगल की आवाज निकाल रहा है। और धीरे धीरे और गाड़ियां भी आ रही हैं और उसके साथ ये जैकल भी भागता हुआ आ रहा है। पीछे से आती जिप्सी से भागते हुए ये आगे आ रहा है और आगे ढेर सारी गाड़ियां रुकी हुई हैं और इसको जगह नहीं मिल रही जाने की।
और ये वहां चला गया जहां तीन टाइगर्स बैठ के अपने शिकार का मजा ले रहे हैं। लेकिन इसको एक मिनट के अंदर समझ में आ गया कि ये मौत के मुंह में आ गया है और फौरन वहां से भाग लिया। मॉर्निंग की सफारी का टाइम वहीं पे वेट करते हुए ओवर हो गया और हमें अभी बाहर जाना पड़ रहा है। लेकिन कुछ ही घंटे बाद हमें वापस से सफारी करने आना है और अपने भाग्य को देखना है। अभी ये वीडियो ओवर नहीं हुआ है तो चलिए देखते हैं इवनिंग सफारी में हमें वो टाइगर्स दिखते हैं या नहीं। तो लंच करने के बाद हम वापस से आ गए हैं कान्हा के मुक्की गेट पे। सारी जिप्सीज भी रेडी हैं सफारी पे जाने के लिए। अभी के सफारी में एक स्पेशल बात यह है कि अब तक सबको पता चल चुका है कि MV3 ने शिकार किया है और अपने दो बच्चों के साथ एक जगह पे बैठी है। तो सबका एम अब यही है कि कौन उस जगह पे पहले जाके एक अच्छा स्पॉट पिक कर ले ताकि जब वहां से टाइगर निकले तो अच्छी साइटिंग हो। हम भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। इधर उधर भटकने के बजाय हम सीधा वहीं जा रहे हैं। कान्हा में सफारी करते टाइम बहुत धूल उड़ती है और आपको अपने फेस और कैमरा को अच्छे से ढक के रखना पड़ता है। अब हम आ गए हैं सेम लोकेशन पे और प्लान यही है कि सफारी के 3 घंटे हम यहीं रुकने वाले हैं। धीरे धीरे सारी जिप्सीज भी यहीं आ रही हैं और शुरू होता है पेशेंस का गेम कि कौन यहाँ कितनी देर तक रुक सकता है। और फाइनली झाड़ियों के हिलने के साथ वहां टाइगर की भी एक झलक मिली। तो अब हमें यहीं वेट करके देखना है कि कब ये टाइगर्स बाहर आते हैं। जिप्सीज आ रही हैं और जा रही हैं, लेकिन हमारी तरह और भी गाड़ियां हैं जो घूमना छोड़ के बस यहीं पे वेट कर रहे हैं। और इतनी देर तक वेट करने के बाद फाइनली हमें एक फेस दिखा। ये MV3 टाइग्रेस का बच्चा है और इधर उधर एक्सप्लोर कर रहा है। शिकार खत्म होने तक MV3 यहीं रहेगी और उसके बच्चे भी यहां ऐसे ही घूमते रहेंगे। जैसे जैसे सफारी का टाइम ओवर हो रहा है, लग नहीं रहा कि ये टाइगर्स आज बाहर आएंगे। अगर शिकार बड़ा होगा तो ये 2-3 दिन तक यहीं रहने वाले हैं। अब लग रहा है पार्क की सारी गाड़ियां यहीं आ गई हैं इन टाइगर्स की एक झलक देखने के लिए। अंधेरा भी होने ही वाला है और सफारी का टाइम भी ओवर हो रहा है। देख के लग नहीं रहा कि इससे अधिक आज किसी को कोई टाइगर दिखने वाला है। और ये टाइगर भी वापस से अंदर चला गया। इसी के साथ ही आज की हमारी 2 सफारीज भी ओवर हो गई। अब बस कल सुबह 1 लास्ट सफारी बची है कान्हा जोन में और उसको कान्हा का सबसे सुंदर जोन माना जाता है। तो मिलते हैं कल की सफारी में।